भेड़ो बोल, डील या नो डील, डील या नो डील? नो डील। अरे तुझसे कैसे डील? ओए उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तुझ जैसे गुंडों से नो डील, कोऑपरेट करने वालों से ही डील। आई बात। I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on to me and I walk alone. बाबा जी, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? वो आ गए। आज इस घर में किसी की पुंगी बजने वाली है। चुप कर, फालतू में चिल्ला रहा है। पिताजी, वो आ गया है। बाप रे, क्लोज अप में आ रहे हैं इसके। ए, तुम सब बाहर जाओ। ओके सर। तुम्हारा नाम क्या है? जगन साहू। और कास्ट क्या है? बताना जरूरी है। तुम्हारी कास्ट का पता नहीं, कहां रहते हो पता नहीं, इसके बावजूद मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं, क्योंकि प्रिया मेरी जान है। मैंने इसीलिए उसकी बात मानकर तुमसे बात करने के लिए तुम्हें यहां पर बुलाया है। मगर ये रेखा कौन है, उसके बारे में प्रिया को बताया? तुम्हारा उससे संबंध क्या है? कम ऑन स्पीक अप। तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? शी इज जस्ट माय फ्रेंड। शी इज नॉट योर फ्रेंड, शी इज योर लवर, योर डियरेस्ट। प्रिया, अभी भी तुम इससे शादी करना चाहती हो? हाँ, जबकि इसका किसी और के साथ भी संबंध है। हमारे पास इसके जीते जागते सबूत हैं। फिर भी तुम इससे शादी करना चाहती हो तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जगत, तुमने रेखा के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए। If she's just your friend, why couldn't you tell me? Don't you trust me? ये मेरी जिंदगी है। मेरा पति किसी और लड़की के साथ रिश्ता रखे, ये मुझे मंजूर नहीं। She's just my friend, that's all. Maybe. लेकिन सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं प्रिया। He's a number one criminal. एम के असली से तुम वाकिफ नहीं हो। तेरी ये मजाल, तुझे मेरी बेटी प्यार करती है इसलिए चुपू, वरना काट डालता। Get out from here. आज से तुम मेरी बेटी को भूल जा। दफाओ यहाँ से, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके यही दफना दूंगा। मैं यहाँ का सीएम हूँ। प्रिया, रेखा इज जस्ट माई फ्रेंड। इफ आई सी यू नेक्स्ट टाइम हियर, आई विल किल यू। बेटी, तुम चिंता मत करो, तू अभी तक जिंदा है सिर्फ मेरी बेटी की खातिर। चल निकल यहाँ से। तुम अंदर जाओ बेटी। कौन है? सीएम है। जगन साहू से भी अच्छा लड़का ढूंढ के निकालेंगे वो। उसके बारे में सोच सोच के रो रही है, पागल हो गई है क्या? मत रो प्रिया बेटी, मत रो, चल अंदर चल, चल। नरेंद्र जी, पिताजी, इधर आ। वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। होम मिनिस्टर से बोलकर। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। Thank you.
जगन, मैं जानती हूँ तुम प्रिया के बारे में सोच रहे हो, डोंट वरी। मैं प्रिया के बारे में नहीं सोच रहा हूँ रेखा, वो सीएम को कुर्सी से किस तरह हटाऊं यही सोच रहा था मैं। मेरे अंकल तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए वीआईपीएस के साथ वेट कर रहे हैं और पूरा मीडिया हमारा सपोर्ट कर रहा है जगन। हम सबका टारगेट सीएम है। जिस पब्लिक ने उसे वोट देकर कुर्सी पर बिठाया है उसी पब्लिक के भरोसे को वो धोखा दे रहा है प्रिया। इस फाइल को संभाल कर। ओके अंकल। नमस्कार। नमस्ते। नो फॉर्मेलिटीज, प्लीज बैठ जाइए। नमस्ते। हाउ आर यू सर? फाइन। अंकल आप इन सब के बारे में जगन को बताइए। ठीक है बेटी, ये पांचों व्यक्ति काफी मशक्कत करके ऊपर आए हैं। ये हमारे साथ मिलकर समाज सेवा करना चाहते हैं। ये हैं राठौर जी। नमस्ते सर। नमस्कार राठौर जी। मुझसे जो भी मदद चाहिए आप बेझिझक होके पूछिए। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नंबर वन बिजनेसमैन, रियल एस्टेट का काम करते हैं, एनआरआई पार्टी साहब इन्हीं से डीलिंग करते हैं। ये है उत्तम चंद और ये है इनकी पत्नी। नमस्ते। ये बहुत ही नेक इंसान है, 8 बार एमपी इलेक्शन लड़कर जीत चुके हैं। वो है राजगौड़। नमस्ते सर। समाज सेवक है, आज इनकी वजह से हमारे राज्य की कई गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कठिन परिश्रम करके ऊपर आए हैं। समाज में इनकी एक जगह है, ये अपनी सारी जायदाद खुशी खुशी जनता की भलाई के लिए देना चाहते हैं। और ये है रावत जी, बड़ा बिजनेसमैन है और ये भी अपनी सारी जमा पूंजी देश के गरीब जनता की भलाई के लिए लगाना चाहते हैं। और वो है उमाशंकर, बहुत ही अच्छे इंसान है, 4 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ किए हैं। इनके अधीन 20 MLA हैं और सब इनकी तरह नेक हैं। मेरे ख्याल से ना इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है और न ही किसी का बुरा किया है। और वो है राजीव जी, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, गरीब लोग इन्हें मसीहा मानते हैं। आजकल जमीन की कीमत आसमान को छू रही है फिर भी ये गरीब जनता के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए में फ्लैट दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए बैंक लोन का भी प्रबंध करते हैं। और ये है डॉक्टर जॉन, कार्डियोलॉजिस्ट, अमेरिका में पढ़ाई किए हैं, इनका पूरा परिवार अमेरिका में है। सिर्फ यही नहीं, इस शहर में इनके कई बड़े बड़े अस्पताल हैं, इन्होंने कई गरीब लोगों की जानें बचाई हैं, ये उनके लिए देवता समान है। इनके अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, फीस भरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा डॉक्टर जॉन ने अनाउंस भी किया है। सर गवर्नर के बंगले से फोन आया है, 5 बजे से पहले वहाँ पहुँचना होगा हमें। एक मिनट प्लीज रेखा, इनके साथ सावधानी से पेश आना। ओके। आई वुड लाइक टू सी द इंपोर्टेंट फाइल, प्लीज गिव टू मी। ओके। ये लीजिए। और सुनिए डॉक्टर जॉन साहब, मैंने सुना है कि शहर में तकरीबन आपके 10 अस्पताल हैं, उसे आप गरीब जनता के नाम करेंगे। जरूर कर दूंगा सर। ओह आई एम सॉरी, आपके बाल बच्चे तो होंगे। है सर। तो 5 अस्पताल गरीबों के नाम कर दीजिए। वैसे ही कर दूंगा सर, जो भी करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा, लेकिन इस सरकार के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। रेखा इस फाइल को रख लेना। आप जाइए, देर हो जाएगी। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। आपकी इच्छा सर। हां सुनो, सबको खाना खिला के भेजना। ओके ओके सर। बात वो नहीं इंदिरा बेटी, दामाद जी समाज सेवा करते रहेंगे तो हम फुटपाथ पे आ जाएंगे, दौलत हमारे साथ रहेगी तो जनता भी साथ होगी। अगर वो मिट्टी में हाथ रखेगा तो पल भर में वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अरे बाप, ये 100% सच है। आओ आओ नरेंद्र। हाँ बोलिए। आओ देखो बेटे, मैं जहाँ जमीन लूंगा वहाँ तुम फैक्ट्री बनाओगे। हाँ। देखो बेटे, मैं जो भी करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए मैं करूंगा। इस नाना के होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो बेटे, हमारे पास अरबों की दौलत है। हा? ये क्या कह रहे हैं? तुम सीएम बनोगे तो मुझे होम मिनिस्टर बनाओ। इस सीएम ने क्या किया? देखो बेटे, अखबार वालों को और मीडिया वालों को काट दूंगा क्यों कहते हैं? वही तो, मेरा चैनल और तुम्हारा प्रेस, और हम जिंदगी मजे से जिएंगे। हम वीवीआईपी होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें सीएम बनाना चाहता हूँ। ओके नाना जी, इस पीए को मेरे हवाले कर दो। हाँ से समझ लीजिए ये आपका पीए। अरे धन्यवाद जी। ये क्या पिताजी, जब से तुम आए हो कुछ ना कुछ कहते रहते हो, देखो वो नाराज होकर चला गया। बैरे तू मामूली आदमी नहीं है, दोनों पैर कब्र में लटका के बैठा है फिर भी तू होम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है, तेरी तो